नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हैरी परमार, स्टॉक मार्केट मोड हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं सोचता हूं कि आप, मैं जो भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, आप उससे कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे और उसके उसमें से सीख कर आप अपने ट्रेड को ट्रेड में एक अच्छा मुनाफा कमा रहे होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको पिछली मेरी सारी वीडियो पसंद आई होगी और आने वाले टाइम में भी मैं आपके लिए बहुत बढ़िया वीडियो लेके आऊंगा इंडिकेटर्स के ऊपर, स्टॉक के ऊपर, स्टॉक के एनालिसिस के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी इंडिकेटर के ऊपर सीरीज चल रही है और हम इंडिकेटर्स के ऊपर अलग अलग इंडिकेटर्स, लीडिंग एंड लैगिंग एंड लीडिंग इंडिकेटर के ऊपर हम अपने हर वीडियो में चर्चा करते हैं किसी न किसी इंडिकेटर के ऊपर। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मेरा आज का जो इंडिकेटर है वो है MACD। इसकी फुल फॉर्म होती है मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। ये कैसे काम करता है और इसकी मदद से हम कैसे एक अच्छी और प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन पे दिया गया है कि MACD एक मोमेंटम इंडिकेटर या ऑक्सीलेटर है। यह मूविंग एवरेज का कन्वर्जन और डाइवर्जन है। जैसे कि इसकी फुल फॉर्म बताती है कि मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। हम जो भी ट्रेड लेते हैं उसका ट्रेंड पता करने के लिए इस इंडिकेटर का हेल्प लेते हैं, मदद लेते हैं। आप इसको हम चार्ट पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यह कैसे काम करता है और इसकी सहायता से हम इसको सीख कर इसकी सहायता से हम कैसे एक बढ़िया ट्रेड ले सकते हैं। तो चलो चलते हैं हम वेबसाइट के ऊपर। ये है investingindia.com की वेबसाइट। तो इसके ऊपर चलते हैं हम। यहाँ पे ऊपर एक टूल बार दे रखा है, जैसे कि हर बार की तरह मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे इंडिकेटर स्लैश है और इंडिकेटर स्लैश में हम यहाँ पे MACD टैप करेंगे तो ये इंडिकेटर हमारा सामने आ जाएगा। हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये इंडिकेटर MACD ये सामने आ गया। ये हम वॉल्यूम को यहाँ से क्लोज कर देंगे तो MACD जो इंडिकेटर है ये आपके सामने है। तो अब इसके थोड़े से बेसिक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो जो MACD है इसकी सेटिंग देख लेते हैं क्या है, इस पे क्लिक करते हैं। ये देखिए इनपुट और स्टाइल दो इसके पैरामीटर्स हैं। फास्ट इनपुट में ये फास्ट लेंथ, स्लो लेंथ, सोर्स और सिग्नल लेंथ, ये तीन चीजें दी गई हैं। तो जैसा कि आप इंडिकेटर में देख रहे हैं कि इसके डिफॉल्ट सेटिंग में 26 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग EMA, जैसे कि आपको बताया गया है कि मूविंग एवरेज का कन्वर्जन और डाइवर्जन है। जो आप सेटिंग देख रही हैं ये नीले रंग की जो लाइन है वो 26 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA से, जो या ब्लू कलर की जो लाइन देख रही हैं ये है हमारी MACD लाइन। इसमें 26 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में से 12 दिन की मूविंग एवरेज को कम, मतलब घटाकर माइनस कर जो अंतर, जो डिफरेंस मिलता है उसको हम MACD लाइन कहते हैं। समझ गए ना दोस्तों आप। जैसे कि ये जो ब्लू कलर की लाइन है, मैं आपको फिर बता देता हूं, MACD लाइन है जब 26 दिन की एक्सपोनेंशियल
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में से 12 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कम या माइनस करके जो अंतर निकलता है, जो डिफरेंस निकलता है, वो होती है हमारी MACD लाइन। ये ब्लू कलर की लाइन है, ये MACD लाइन है। और उस नीले रंग की लाइन के नीचे जो रेड कलर की एक लाइन चलती है साथ में, वो उस ब्लू कलर की लाइन यानी कि MACD की जो लाइन है उसकी 9 दिन की, जैसे ये दिया गया है, इसकी 9 दिन की मूविंग एवरेज है। इसको हम सिग्नल लाइन भी कहते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे ना ये MACD की कैलकुलेशन क्या है, ये मूविंग एवरेज का डायवर्जन और कन्वर्जन है। तो जो ये ब्लू लाइन की लाइन होती है इसको हम कहते हैं फास्ट लाइन, इसको फास्ट लाइन कहते हैं। और जो ये रेड लाइन कलर की लाइन होती है इसको हम स्लो लाइन या धीमी गति वाली लाइन भी कहते हैं। अब इसके बीच में आप देख रहे होगे कि ये हिस्टोग्राम सा बना हुआ है, ये जीरो से लेके ये नीचे और ऊपर हिस्टोग्राम है, यह बना हुआ है हिस्टोग्राम। और इसका मतलब क्या है, तो जब लाइन ने सिग्नल लाइन, जब MCD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर होती है, मतलब आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर की लाइन MCD लाइन है, ये रेड कलर की लाइन सिग्नल लाइन है। जब ब्लू कलर की लाइन मतलब MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर होती है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक एक बुलिश मतलब कि तेजी को दर्शा रहा है। और जब इसके नीचे होती है मतलब ब्लू लाइन, जैसे ये देखिए यहाँ पे MACD लाइन सिग्नल लाइन के नीचे है, तो ये एक मंदी को दर्शाता है कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, अब ये नीचे की तरफ स्टॉक जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्टॉक यहां से नीचे की तरफ चलना शुरू हो गया। तो MACD से हमें ट्रेंड स्टॉक में पोजीशन लेने में बहुत आसानी से मदद मिल जाती है। यह एक लैगिंग इंडिकेटर है, यह हमें थोड़ा देर से बताता है कि ट्रेंड अब चेंज हो गया है। जैसे कि यहां देखिए ट्रेंड तो ये यहाँ पे चेंज हो गया था, यहाँ पे 124 रुपए पे, पर इसने हमें लेट बताया, इसने हमें बताया 117 रुपए पे, तो तभी इसको लैगिंग इंडिकेटर माना जाता है। अगर एक और है चीज इसमें कि अगर हिस्टोग्राम इस जीरो लाइन जो होती है, ये वाली हिस्टोग्राम की लाइन है जो, इसके नीचे अगर स्टॉक हो तो मोस्टली उसको बीरश ही कहा जाता है। बेयरिश मतलब कि ये मंदी को दर्शा रहा है कि मंदी है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये यहाँ पे यहाँ तक ये मंदी है, पर यहाँ पे इस MACD लाइन ऊपर तो आ गई स्लो लाइन के धीमी गति वाली लाइन से, पर फिर भी इस यहाँ तक जो हिस्टोग्राम की लाइन है यहाँ तक हम इसको एक बेयरिश ट्रेंड ही मानेंगे। तो ट्रेंड कंफर्म यहां पे होता है जब ये यहां से ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगा, ये जीरो लाइन से ऊपर की तरफ ये ज्यादा जाता है, तो यहां पे हमें ट्रेंड कंफर्म हो जाता है कि अब ये क्या नाम उसका तेजी को दर्शा रहा है। समझ गए ना आप कि इसकी मदद से मैंने आपको बता दिया कि स्टॉक कैसे लें, कि जब भी ये स्लो लाइन फास्ट लाइन को क्रॉस करे, जब फास्ट लाइन स्लो लाइन को क्रॉस करे तो आप ट्रेंड में रिवर्सल का आपको पता चल गया हो जाता है, तो आप वहां से अपनी पोजीशन बाइंग या सेलिंग की कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने यहाँ पे मदर सुमी सिस्टम का स्टॉक ले रखा है, ये देखिए यहाँ पे ये ट्रेंड बेरिश था पहले,
यहाँ पे सिग्नल एमएसीडी ने सिग्नल हमें दिया कि यहाँ पे ये एमएसीडी लाइन नीचे आ गई धीमी गति की लाइन से 9 पीरियड की मूविंग एवरेज से। तो अब ये यहाँ पे स्टॉक रिवर्सल बनता है कि अब ये स्टॉक उल्टी दिशा में चलना शुरू हो गया, मतलब कि बेरिश हो गया, मंदी को दर्शा रहा है। तो ये नीचे आया, नीचे आया, ये देखिए यहाँ पे यहां तक ये नीचे आया। तो यहाँ पे आप जब इसने क्रॉसओवर किया एमएसीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी बाय कर सकते हैं। तो देखिए ये एमएसीडी लाइन ऊपर ही जा रही है, जब इसको टच करे तो आप यहाँ पे अपना क्या नाम उसका एग्जिट कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं। तो वेट करने, अगर आपको पता है कि ट्रेंड पक्का है ऊपर की तरफ जाएगा तो आप वेट करें। ये देखिए जब भी इसने क्रॉसओवर किया है एमएसीडी लाइन को सिग्नल लाइन ने, तो ये ट्रेंड रिवर्स हुआ है। समझ गए ना आप दोस्तों कि एमएसीडी लाइन हम कैसे सहायता करती है हमें किसी भी स्टॉक में पोजीशन लेने के लिए, बाय या सेलिंग के लिए। दोस्तों यह है एमएसीडी की एक पावरफुल सिग्नल है, इंडिकेटर है। मगर मैं हर बार की तरह आपको कहता हूं कि जब भी आप स्टॉक लें 2, 3 से 5, 6 आप इंडिकेटर लगा के कंफर्मेशन प्रॉपर लेके विद स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी कहीं भी किसी भी स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप इसको कन्वर्जन और डाइवर्जन भी कन्वर्जन और डिवर्जन कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म ही ऐसी है कि यह एक कन्वर्जन और डाइवर्जन इंडिकेटर है। मतलब कि अगर हम आप इस हिस्टोग्राम की मदद से भी आप देख सकते हैं कि ये हिस्टोग्राम की लाइनें जितनी बड़ी होंगी ये उतने बड़ा इनमें डाइवर्जन बनना शुरू हो जाता है। जब ये डाइवर्जन बनना शुरू हो जाता है तो चांस होते हैं कि यहां पे मतलब मोर बनना शुरू होता है, चांस हो जाते हैं कि यहां पे ये स्टॉक अब रिवर्सल होने वाला है। जैसे कि मैं आपको यहां बताता हूं, ये आप ध्यान से देखिए, तो ये मैं थोड़ा सा स्केल कर दिया। ये देखिए अब ये यहां पे देखिए, ये यहां पे एक मिनट, आप यहां पे देखिए, ये देखिए यहां से इनका क्रॉसओवर हुआ और ये मूविंग एवरेज यहां पे स्लो लाइन की मूविंग एवरेज है और ये फास्ट लाइन की जो सॉरी स्लो लाइन की वो ट्रेंड लाइन है, ये फास्ट लाइन की ट्रेंड लाइन है। तो ये देखिए अब देखिए यहां पे इनमें कितना बड़ा डाइवर्जन बन चुका है। समझ गए ना आप दोस्तों। तो यहां पे जब ये डाइवर्जन बड़ा बन जाता है तो वहां पे एक स्टॉक में एक रिवर्सल, मतलब जिस तरफ भी स्टॉक चल रहा है वहां से रिवर्सल होने के चांस काफी हो जाते हैं कि अब ये स्टॉक रिवर्सल होगा। अब देखिए यहां पे भी यही है, यहां पे कन्वर्जन और डाइवर्जन नहीं बना क्योंकि सिग्नल लाइन ने दिया तो है थोड़ा सा कि हाँ भी। तो बहुत सारी चीजें हैं इसको इसलिए कन्वर्जन और डाइवर्जन कहते हैं। जब ये दूसरी तरफ आप, मैं एक और स्टॉक आपके लिए देता हूं, ये बजाज ऑटो लिमिटेड का स्टॉक है, इस पे भी हम देख लेते हैं। तो देखिए यहां पे स्टॉक का ट्रेंड चेंज हुआ, यहां पे ब्लू लाइन मतलब कि एमएसीडी लाइन ने इस स्लो लाइन को 9 पीरियड एमएसीडी की 9 पीरियड 9 दिन की या कह लें कि 9 पीरियड की मूविंग एवरेज ने को क्रॉस ओवर किया, ऊपर की तरफ गया। तो आप यहाँ पे अगर स्टॉक लेते हो तो आपको देख लीजिए स्टॉक कहाँ पे पहुंच गया अभी तक। मतलब कि लोग कहते हैं कि जब भी
कुछ ट्रेडर कहते हैं कि जब भी ये क्रॉसओवर हो तो वहां पे बाय कर लें, जब भी ये क्रॉसओवर फिर हो, मतलब कि आपने बाई की है, एमएसडी लाइन ऊपर आ गई है तो ऊपर जाएगा, जब एमएसडी लाइन इसको टच करके रेड लाइन को नीचे आए तो आप वहां पे बेच लें। पर इतना आसान होता है अगर स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमाना तो दोस्तों बहुत इजी, हर कोई कमाता, मैं भी कमाता, बहुत कमाता। मगर अगर यहाँ पे आप खरीदते, यहाँ इसको टच किया बेच देते तो कितना मुनाफा होता। आपको देखना चाहिए कि वो किस स्टॉक किस ट्रेंड में चल रहा है, और यहाँ पे खरीदते फिर यहाँ पे बेचते फिर यहाँ खरीदते, तो हमें हर चीज को कंफर्म करने के लिए दो या तीन या चार इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है। कोई इंडिकेटर किस तरह से, किसी इंडिकेटर ने सिग्नल यहाँ पे दिया कि एमएसीडी ने कि बाय कर लो, और यहाँ पे आपको बता रहा कि सेल कर लो, पर अभी सेल की पोजीशन है क्योंकि स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आता है, थोड़ा सा ये सांस लेता है, फिर ऊपर की तरफ चलना लग जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से 1934 से स्टॉक खरीदा हुआ अभी 3,055 हो गया, तो यहाँ पे अगर आप बेचते हो तो आपको कम मुनाफा होता, थोड़ी सी वेट करते। अब दो तीन इंडिकेटर और लगाते तो आप लगा के साथ में काम करें तो आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ भी अभी भी स्टॉक अप ट्रेंड में ही है, यहाँ पे नहीं बेचना है। तो दोस्तों अगर इसको कन्वर्सन और रिवर्सन एक और तरीके से कह सकते हैं हम, कि अगर ये जो है प्राइस एक्शन, ये जो प्राइस एक्शन है इसके साथ भी हम इसकी तुलना करें तो, और क्रॉसओवर इन दोनों के बीच में क्रॉसओवर हो किसी भी तरफ, अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो क्रॉसओवर एमएसीडी लाइन ऊपर की तरफ आएगी और स्लो लाइन नीचे की तरफ आएगी, वहां पे क्रॉसओवर हो और यहाँ पे कोई डाइवर्जन बने प्राइस एक्शन के साथ। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि ये देखिए, ये डाइवर्जन और कन्वर्जन के लिए मैं आगे आने वाले सीरीज में एक वीडियो बनाऊंगा, तो अभी थोड़ा सा बताता हूँ। डाइवर्जन होता है कि मोड़ रहा है कोई बंदा, डाइवर्ट हो रहा है दूसरी तरफ, समझ गए ना आप। तो एक और दोनों में जो दूरी बढ़ती है, जैसे कि मैंने दूसरे स्टॉक में बताया कि ये देखिए ये दोनों में कितना गैप बढ़ गया, समझ गए ना, इसको डाइवर्जन कहते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक रिवर्सल होने के चांस होते हैं। प्राइस एक्शन के साथ भी इसका जो डाइवर्जन बन जाए और क्रॉसओवर हो, क्रॉसओवर किसी भी तरफ, अगर देखिए यहाँ पे ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, मैं आपको दिखाता हूं अभी, ये देखिए एक मिनट आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे, मैं थोड़ी सी लाइन को मोटी कर देता हूँ और यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा पिंकिश कर लिया मैंने। यहाँ से अगर आप ये एक डबल लाइन बनाए, नीचे की कैंडल से शुरू करके नीचे की कैंडल तक ही मैंने लेके गया है, और उसके बाद प्राइस, ये प्राइस एक्शन होता है ये, उसके बाद ये हम एमएसीडी में भी यहीं से शुरू करेंगे। ये देखिए हम यहां से शुरू किया और ये देखिए हमने यहां पे खत्म किया, तो देखिए कितना बड़ा डायवर्जन बन रहा है, दिख रहा है ना आपको। तो ये बन रहा है एक डायवर्जन, मतलब यहां पे गैप जा रहा था, यहां पे अब गैप कम है तो एक डायवर्जन है, वो साथ की नीचे की तरफ आपस में जुड़ रहे हैं। अगर ऊपर की तरफ गैप कम या अगर बराबर गैप है तो हम उसको डायवर्जन नहीं मानते, अगर गैप कम या ज्यादा हो तो वो डायवर्जन का काम करता है। यहां से देखिए यहां पे हमने यहां तक इसको जोड़ा और नीचे एमएसीडी लाइन को भी यहां जोड़ा, तो ये कि यहां पे डायवर्जन बन गया, और उसके बाद हमने वेट करनी, हम वेट करेंगे कि अगर क्रॉसओवर हो एमएसीडी लाइन का, तो यहां पे देखिए एमएसीडी लाइन ब्लू लाइन और रेड लाइन के ऊपर ब्लू लाइन आ गई, तो एमएसडी का क्रॉसओवर हो गया, तो इसका मतलब ट्रेंड कंफर्म है,
तो हम यहाँ पे एक बैंक की ट्रेड ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस इसका आपको इसके एटीआर से ऊपर ही होना चाहिए। सो एटीआर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिकेटर स्लैश में जाके एटीआर एवरेज टू रेंज होती है कि एक दिन में स्टॉक है देखिए 86 रुपीज, ये बजाज ऑटो का स्टॉक है, एक दिन में 86 पे अप या डाउन हो सकता है, मतलब घूम सकता है, ऊपर की तरफ 86 रुपए जा सकता है या नीचे की तरफ 86 रुपए जा सकता है। इसको कहते हैं एवरेज टू रेंज, इसके ऊपर होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। और देखिए यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया डाइवर्सन बना, क्रॉस ओवर हुआ और यहाँ पे हम बाय करेंगे, तो है ना मजे की बात। अगर यहाँ पे हमने बाय किया देन 2009 पे हमने बाय किया तो ये स्टॉक देखिए 3,051, 2000 पे बाय किया 3,051, 1000 रुपए का 1930, 1000 रुपए का प्रॉफिट सीधा सीधा। तो ये डाइवर्जन क्या होता है इसके बारे में मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा। इतना समझ गए होंगे कि ये डाइवर्जन है, जहां भी हमें पता चल जाता है डाइवर्जन की ट्रेंड चेंज होने वाला है नहीं होने वाला। तो बहुत से ऐसे इंडिकेटर है जिसके साथ हम प्राइस एक्शन के साथ हम डाइवर्जन कन्फर्म कर सकते हैं, समझ गए ना दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूं एक चीज और कि आप अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक दिन का चार्ट ले रखा है, तो आप यहाँ पे एक घंटे का चार्ट भी लेके आप इन चीजों को कंफर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे हमने डाइवर्जन कन्वर्जन कहाँ किया था, पीछे गया है अभी आ जाता है आपके लिए। तो अगर आप एक घंटे के चार्ट में भी आप देख सकते हैं, तो ये देखिए ये पीछे है जो मैंने ये एक दिन के उसमें चार्ट में लगाई थी लाइने, तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए। तो इसको आप कंफर्म करने के लिए यहां पे और ये जो लाइन है, एक मिनट आप उसके हिसाब से आप अपने ट्रेंड को कंफर्म कर सकते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे एक लाइन लगाई है, और एक मिनट आपको मैं प्रॉपर बताता हूं कि ये देख लीजिए यहाँ पे ये लाइन लगाई है, कहाँ है, ऊपर तो नहीं चढ़ गई, एक ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लाइन लगाई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे भी बन रहा है क्रॉसओवर चाहिए, यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लगाया क्रॉसओवर भी हो रहा है और बहुत बढ़िया एक ट्रेंड लाइन एक डाइवर्जन बन रहा है, समझ गए ना दोस्तों। ये देखिए ये नीचे आप देख सकते हैं क्रॉसओवर भी हो रहा है आगे जाके। वैसे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप इसको प्लॉट करते हैं डाइवर्जन को और चीजों को, तो आपको एक अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना होती है, क्योंकि कम अवधि में आपको यहाँ पे फेक सिग्नल या कुछ प्रॉपर क्लियर नहीं होता, फेक सिग्नल भी मिल सकते हैं प्रॉपर क्लियर नहीं होता, तो आप थोड़ा सा इसमें हानि या नुकसान करते हैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पे भी देखिए डाइवर्जन बन रहा है, यहाँ पे भी आप कर सकते हो, तो यहाँ पे भी आपको डाइवर्जन बन रहा है, क्रॉसओवर भी हो रहा है, पर आप बड़े टाइम फ्रेम पे चार घंटे एक दिन या उससे ऊपर अधिक समय के टाइम फ्रेम के ऊपर ये बहुत अच्छा काम करता है एमएसीडी डाइवर्जन और कन्वर्जन। यहाँ पे मैं चार घंटे का आपके लिए लेके आता हूँ, यहाँ चार घंटे में हम देखते हैं कि चार घंटे में कहाँ गया, ये चार घंटे में कैसे ये कन्वर्जन और डाइवर्जन काम करता है, ये देखिए ये चार घंटे में तो ये सीधा खड़ा हो गया। तो दोस्तों ये मैं इसको आपको चार घंटे के लिए भी इसको लगा के दिखाता हूँ,
तो ये देखिए यहां से कहां गया ये, इसको डिलीट करो यार। तो मैं आपके लिए दोबारा प्लॉट करता हूं ये। तो देखिए मैं यहां पे यहां से यहां तक मैंने एक लाइन लगाई और ये एमएसीडी में हम ये डाइवर्जन बना रहे हैं। एमएसीडी में ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये यहां पे बनी, देखिए कितना बड़ा डाइवर्जन बन रहा है। और यहां पे एमएसीडी को ने क्रॉस ओवर किया है फ्लो लाइन नाइन अपनी नाइन टाइम नाइन मूविंग एवरेज को। तो दोस्तों ये देखिए और यहां पे जो स्टॉक है ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया। तो आप समझ गए होंगे डाइवर्जन और कन्वर्जन कैसे है प्राइस एक्शन के साथ, इन दोनों एमएसीडी की दोनों एमएसीडी लाइन और उसकी नाइन पीरियड की मूविंग एवरेज के साथ कैसे डाइवर्जन और कन्वर्जन है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कैसे ये एमएसीडी काम कर सकता है, काम करता है और इसकी मदद से हम किस तरह से अपनी ट्रेड ले सकते हैं और इसके डाइवर्जन और कन्वर्जन को हम कैसे प्लॉट करके, डाइवर्जन को कैसे प्लॉट करके हम इसमें एक ट्रेंड कंफर्मेशन का पता कर सकते हैं कि अब ये ट्रेंड चेंज होने वाला है या नहीं। तो उसके हिसाब से हम अपने स्टॉक में, हम अपने ट्रेड में एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी मेरी ये आज की वीडियो, आशा करता हूं कि आपको मेरी ये आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। जो इंडिकेटर की हमारी सीरीज चल रही है उसमें ये जो हमारा आज का जो इंडिकेटर था एमएसीडी, तो उसके ऊपर हमने आज अच्छी वीडियो बनाई और आपको बताया कि हम इससे कैसे मदद ले सकते हैं अपने स्टॉक में। तो दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए और भी बहुत से बढ़िया वीडियो लेके आऊंगा स्टॉक के ऊपर, स्टॉक एनालिसिस के ऊपर भी मैं सीरीज शुरू करने वाला हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप मेरा साथ जरूर देंगे और इस चैनल को आगे तक लेकर जाएंगे। तो इस वीडियो के हमारे चैनल का एक डिस्क्लेमर भी है कि यह जो वीडियो है यह शैक्षिक मतलब एजुकेशन उद्देश्य के लिए है कि लोग सीख कर अच्छे तरीके से स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी लेकर फिर वो इसमें इन्वेस्ट करें। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है, कृपया आप निवेश करने से पहले अपने फंड मैनेजर से जरूर सलाह लें। हमारा उद्देश्य आम जनता को स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी प्रदान करना है, हम किसी को भी निवेश करने की सलाह नहीं देते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।